अलमिया रहा नहीं गया, इसलिए उसे मैंने दम किया और सिर्फ मेरे दम की वजह से वो अल्लाह का शुक्र ठीक हो गई। आपका तो एक दो तीन टांगे वैसी टूटी हुई है यार। और मिका जीत गई है। निदा, यहाँ से भागते हुए जा रही थी तब तुम्हें लग रहा था इतने आराम से जीत जाओगी? शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया ये मुझे साथ काफी आगे निकल गया, मुझे लगा कि मैं नहीं जीत पाऊंगी, पर ये जब उधर जाके इस तरफ निकला तो मैंने कहा चलो अब भाग रही तो आराम से ही भागू। फिर बाद में इसके दो तीन दफा गिरे, मैंने रिलैक्स हो गया, अभी ढूंढता ही रहेगा, मैं जाती हूँ। आप वकार्स डेन की रूलर है एक दिन के लिए, आपने इनमें से चार लोगों को एलिमिनेट कर दिया। सब इनके पास जाके बता सकते हैं कि आपको एलिमिनेट क्यों ना करें। आपसे मुलाकात होगी एलिमिनेशन जोन में। जब देर खत्म होने के बाद मैं अपने रूम में आई तो क्या सबने मेरे जो नखरे उठाए और फुल इम्प्रेस करने की फुल तैयारियां थी इन सब की। कांग्रेचुलेशन सुजीत, थैंक यू। मैंने भी पूरी कोशिश की है, मैंने दो परफेक्ट से की और उससे ज्यादा नहीं पकड़ सकी, आगे तेरी मर्जी, तू जिसको निकालना चाहे जिसको रखना चाहे वो तेरे पर डिपेंड करता है। जल्दी मुझ पर डिपेंड करता है, इस बारे में मैं अभी सोचूंगी। मैंने अभी एक अभी अभी मैं आई हूँ उधर से और मैं एक सेकंड भी नहीं सोच सकती कि मैंने किसको करना है। नहीं बोली क्या, अभी बता दो, मैं बोले आप सोचो, सोचने के बाद आप जो डिसीजन लेती हो तो वो ठीक है। फिर मैं आपको एलिमिनेशन जोन पे ही बताऊंगा। ठीक है, फिर भी सोचना। ठीक है, ठीक है। सब लोग अपसेट थे लेकिन जो वहाँ पे सबसे ज्यादा अपसेट हमें नजर आया था वो मोमिन था। फिर रहा नहीं गया, इसलिए फिर मैंने दम किया और सिर्फ मेरे दम की वजह से वो अल्लाह का शुक्र ठीक हो गई। थैंक यू। मुझे नहीं लगता उसे प्रिंसेस बनना चाहिए था, और प्रिंसेस ऐसी होती भी नहीं है, वो प्रिंसेस कम वो भैंस ज्यादा लग रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि यार मैंने पूरा ट्राई किया, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी, वो तो तुमने देखा ही नहीं कर सकी। लेकिन कोशिश मैंने अपने पास से पूरी की। मसला मेन ये था कि इतना बड़ा ही ऊपर बैठा हुआ था और जैसे ही मैंने मुंह किया यूं मारा वो मेरी आंख में लगते लगते बचा। तो ये भी तो बोला था उसके बैक साइड से हमेशा आना, फ्रंट से नहीं आना। कोशिश किया लेकिन नहीं पकड़ सकी। बाकी जो तुम जो भी सोचो, जो भी डिसीजन लो, मैं खुश हूँ, उसमें नाराजगी कोई भी नहीं है। आठ लोगों में से एक अकेली अल्टीमेट रूलर, वो भी वकास जैन की, उस वक्त जो मेरी फीलिंग थी मैं इसे बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकती। कैसे हैं आप लोग? नाज़िश आप कैसी हैं? अली और निदा में टाई हो गया था। अली, अगर तुम उस वक्त नहीं भागते तेज तो यहाँ नहीं होते, वहां होते, क्योंकि ये लिविंग ऑन द एज में पहली दफा होगा कि एक रूलर बन के वहां बैठेगा। इन सबको क्यू कार्ड्स दे दो पहले। आपके हाथ में क्यू कार्ड्स हैं, इनका क्या काम है ये अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले लिविंग ऑन दी एज की अल्टीमेट रूलर को बुला लिया जाए। प्रिंसेस, या सीता वहां पे एक अकेली क्वीन
और बाकी सात लोग मेरे सामने बैठे। प्रिंसेस